हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? आप लोगों को जैसे कि पता है कि तेरे बिन तो ख़त्म हुआ है, पर ये जो हवेली है ये हमारे हमेशा याद रहेगी। ये हवेली से सारे शॉट शुरू होते थे। बहुत खूबसूरत हवेली है, और इस हवेली को देखा जाए तो इसमें जो है क्या कहते हैं पूल वाला सीन भी आपको याद आएगा। मतलब जो भी तेरे बिन के फैंस हैं ना, उनको ये सीन बड़े पसंद आएंगे। एक तो वो पूल वाला, फिर उसके बाद वो गेट जिसमें मीरब गई थी वहाँ से, और भी बहुत सारे। ये हवेली बहुत खूबसूरत है, और इसकी एक बड़ी खासियत है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। भाई, इस हवेली की ये खासियत है कि इसमें मेरे पास सोमो की भी शूटिंग हुई थी, और इसमें माया अली और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने शूट किया आके। ये तो ये हवेली एक्चुअली जो है ना ड्रामों के लिए यूज़ होती है, पर मस्त हवेली है भाई। इस हवेली को जिसने भी देखा है, और ये लकी हुई है उसके लिए जिसने जिसमें ड्रामे की शूट की है। अब तो सारों का जो रुख है ना वो इसी हवेली की तरफ है, कि जो भी ड्रामा हो इस हवेली में बनाओ सुपर डुपर हिट जाओ। पर हमें पता है सुपर डुपर हिट होने की वजह तेरे बिन की क्या थी, वहाज और यमुना। इन इन चीज़ों से थोड़ी होता है, पर हवेली का लुक जो है ना इतना खूबसूरत है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं विजिट करूँ। तो इंशाल्लाह जैसी हो मेरा जैसी प्लान बनेगा तो मैं ये हवेली भी जाऊँगा। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं इस हवेली में जाऊँ? तो लाइव जो है मैं ये विजिट कराने से पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरे कम से कम 50 के होने चाहिए, तब मैं जाके इस हवेली का भी विजिट कराऊँगा। तो उस वक्त तक के लिए जो है आप लोगों को बस मुझे सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो। नेक्स्ट